हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सागर और आप देख रहे हैं क्विक हैक हैकिंग कोर्स। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम काले लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैकिंग में हमें इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, तो हम दो दो कंप्यूटर तो नहीं रख सकते हैं। और हम जब काले लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करते हैं या वर्चुअल वीएमवेयर जिसे बोलते हैं उसमें इंस्टॉल करते हैं, तो कई हैक अच्छे से काम नहीं करते। तो आज हम काले लिनक्स को एक पेन ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे। यस, हम काले लिनक्स को पेन ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे और लाइव यूज करेंगे। मतलब जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएंगे तो काले लिनक्स चलेगा, जब आप पेन ड्राइव हटा देंगे तो विंडोज चलेगा। तो ऐसे ही पेन ड्राइव में काले लिनक्स डाल के आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इस पेन ड्राइव को आप फिर कहीं और दूसरी चीज में यूज नहीं कर सकते हैं जब तक आप इससे काले लिनक्स यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको यूज करना है तो फिर आपको इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कैसे हमें एक पेन ड्राइव में काले लिनक्स इंस्टॉल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव लगाई हुई है जिसका नाम है सोनी 8GR। ये एक 8GB की पेन ड्राइव है जिसमें से 7.19GB मेरे को फ्री मिला है। ठीक है, अभी इसमें हम काले लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। काले लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको काले लिनक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। और अब ये देखते हैं कि वो हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम गूगल पर लिखेंगे डाउनलोड काले लिनक्स। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है काले लिनक्स क्या होता है, काले लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हैकर्स यूज करते हैं हैकिंग करने के लिए। ठीक है, चलिए जो ये पहला रिजल्ट है इस पर क्लिक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि काले लिनक्स क्या होता है। चलिए, तो हमने डाउनलोड वाले फर्स्ट रिजल्ट पे क्लिक किया था, तो देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट आ गई। अब अपने हिसाब से आप अपना वर्जन चूज कर लीजिए। मेरा कंप्यूटर 64-bit है, इसीलिए मैं काले लिनक्स 64-bit चूज करूंगा और इसे ISO पे क्लिक करके डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है तो मैं निकाल लेता हूँ इसको जहां मैंने डाउनलोड किया हुआ है, या मेरे को लोकेशन पता है, ये मेरे वर्क फोल्डर में यहां पर है। ठीक है, चलिए तो अब हम एक सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करेंगे जो कि हमें काले लिनक्स की लाइव यूएसबी बनाने में मदद करेगा। उसका नाम है पावर ISO। पावर ISO आप गूगल पे लिखिए, जो पहला रिजल्ट आएगा उस पर क्लिक कीजिए और यहां से अपने कंप्यूटर के वर्जन के हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि मेरे को अपने कंप्यूटर का वर्जन कैसे पता चलेगा। सिंपल है, स्टार्ट पे जाइए, कंप्यूटर पर जाकर राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। मेरा सिस्टम टाइप 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मुझे यहां पर 64-bit वाला डाउनलोड करना है। ये वाला देख सकते हैं आप, ये वाला, ये दोनों चीजें मैंने डाउनलोड की हुई है। तो उसके बाद हमें पावर ISO इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप यहां पर जाइए, स्टार्ट में लिखिए पावर ISO। देखिए पावर ISO आ जाएगा, इस पर राइट क्लिक कीजिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए और यस कर दीजिए। ठीक है, ये खुल जाएगा। उसके बाद ये कुछ सेकेंड्स वेट करने के लिए बोलता है। उसके बाद आप कंटिन्यू अनरजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर खुल चुका है। अब टूल्स में जाइए और यहां पर देखिए एक होगा क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव, इसको सेलेक्ट कीजिए और देखिए फिर ऐसा आपके पास विंडो आ जाएगा। यहां पर आपको सोर्स इमेज फाइल सेलेक्ट करनी है और आपकी पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है। तो सोर्स इमेज फाइल हमारी क्या है, काले लिनक्स, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। काले लिनक्स की जो हमने इमेज कहां पर सेव करके रखी हुई है, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी थी लेकिन आपको ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये मैंने वर्क में कर रखी है, वर्क में लास्ट में देखिए काले लिनक्स 2.0, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब डेस्टिनेशन यूएसबी ड्राइव से आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना पेन ड्राइव। अगर एक से ज्यादा पेन ड्राइव लगे हुए हैं तो आपको जिस पेन ड्राइव को काले लिनक्स की वो पेन ड्राइव बनाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी सारे ऑप्शंस ऐसे ही रहने दीजिए और स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसमें ये पूछेगा ऑल डेटा इन द यूएसबी ड्राइव विल बी ओवररिटन, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो उस पेन ड्राइव से अपना इंपॉर्टेंट डाटा सारा निकाल लें और पेन ड्राइव को खाली कर लें। ठीक है, नहीं तो वो डिलीट हो जाएगा सब कुछ, तो इसको आप
ओके कर दीजिए। अब ये सॉफ्टवेयर उस काले लिनक्स की इमेज को, जो आईएसओ इमेज है ये, इसको इस पेन ड्राइव में राइट कर देगा और हमारी जो पेन ड्राइव है एक बूटेबल यूएसबी ड्राइव बन जाएगी। तो ये पहला चरण है जिसमें हम एक बूटेबल यूएसबी डिस्क बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें काफी वक्त लगता है और अभी 2% हुआ ये। तो ये जब हो जाएगा तो बस अपने आप यहां पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो यूएसबी ड्राइव है वो राइट हो चुकी है, ठीक है। और हमारी जो फिर उसके बाद आपको पेन ड्राइव निकाल लेना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसको आप 100% पूरा होने दें, उसके बाद ये बोल देगा कि यूएसबी ड्राइव राइट सक्सेसफुल, उसके बाद आप अपने पेन ड्राइव को निकाल लें। बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनाने के बाद आपको उसे अपने कंप्यूटर में लगाना है। मेरे पास ये लैपटॉप है, मैंने लैपटॉप में लगा दिया। उसके बाद आपको लैपटॉप ऑन करना है और बूट मेनू देखना है कहां पर आता है। बूट मेनू मेरे उसमें F12 में आता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर को ऑन करके देखिए और देखिए बूट मेनू कहां लिखा हुआ आता है। आपके केस में ये F12 से F8 हो सकता है और अलग भी हो सकता है, मेरे केस में ये F12 है। तो मैं अपने लैपटॉप को फिर से बंद कर लेता हूं। और पेन ड्राइव लगाकर फिर से जल्दी से जैसे ही ऑन हो F12 दबाता रहूंगा, ठीक है। चलिए इसको ऑन करते हैं और F12 दबाता रहूंगा मैं, क्योंकि पहले मैंने देख लिया बूट मेन्यू मेरा F12 में है। जब बूट मेन्यू आप देख कर लें, क्लिक कर लें F12, तो आपके पास ऐसी कोई मेन्यू आएगी। देखिए अगर आप देख सकते हैं तो इसमें सेलेक्ट बूट डिवाइस बोला है, तो मैं बूट डिवाइस अपनी यूएसबी स्टोरेज सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और एंटर कर दूंगा। और आप देख सकते हैं यहां पर जैसे ही मैंने क्लिक किया काले लिनक्स का ये पूरा विंडो आ गया। अब यहां पर मैं सेलेक्ट करूंगा फर्स्ट वाला ऑप्शन लाइव और इस पे एंटर कर दूंगा और बिना इंस्टॉल किए लाइव काले लिनक्स मेरे कंप्यूटर में चलने लगेगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आप काले लिनक्स यूज करना चाहते हैं और इंस्टॉल भी नहीं करना चाहते। आप देख सकते हैं कुछ कोड्स चल रहे हैं और कुछ ही देर में मेरे लैपटॉप पर काले लिनक्स चलने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप में अभी काले लिनक्स चल रहा है। देखिए पूरा अच्छे से फंक्शनल है। टर्मिनल खोल के देखते हैं, देखिए टर्मिनल खुल गया और पूरी तरीके से लिनक्स, काले लिनक्स वर्किंग है। एक बात और ध्यान दें कि एक बार काम करने के बाद अगर आप कोई इसमें फाइल सेव करेंगे काले लिनक्स में तो वो फिर डिलीट हो जाएगी जब दोबारा चलाएंगे। मतलब एक बार ये खुला तो आपको सारी फाइल्स कहीं और पेन ड्राइव में सेव करके रख लेनी होंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जितनी भी चीज़ें आप अपने काले लिनक्स में सेव करेंगे वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। आप समझ गए मेरी बात। लेकिन ऐसे आप लाइव पेन ड्राइव से तुरंत बिना इंस्टॉल किए काले लिनक्स चला सकते हैं। अब जैसे ही आपका काले लिनक्स का काम हो जाए तो आप अपने कंप्यूटर को बंद कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद पेन ड्राइव को निकालिए और दोबारा से अपना कंप्यूटर ऑन कर लीजिए और आप देखेंगे कि अब मेरा कंप्यूटर विंडोज चलाने लगेगा। देख सकते हैं आप ये विंडोज 10 है और ये चलने लगी। तो ऐसे आप दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं बिना इंस्टॉल किए काले लिनक्स को। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप किसी और के कंप्यूटर में भी यूज कर रहे हैं तो बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और काले लिनक्स तो आप तभी यूज करेंगे जब आप हैक करेंगे, तो कभी कभी के लिए अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको पता चल गया होगा। एक बार और देख लेते हैं इसको कि ये क्या विंडोज ही ऑन होगी या क्या।
थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी आपको भी कि सही में ये काम करता है। तो हमने सीख लिया कि कैसे हम एक बूटेबल डिस्क बनाकर काले लिनक्स उसमें डाल सकते हैं और उससे लाइव काले लिनक्स अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि काले लिनक्स आपने इस्तेमाल कर लिया तो जो आपकी पेनड्राइव है अब वो किसी और चीज के लिए यूज नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसमें काले लिनक्स इंस्टॉल हो गया तो अब वो उसी के लिए फाइल सिस्टम के लिए हो गई। अब अपने पेनड्राइव को कैसे ठीक किया जाए? कई बार लोग ऐसे कर लेते हैं, काले लिनक्स इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं अपनी पेनड्राइव पहले जैसी करनी। तो एक छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूं जिससे आप अपनी पेनड्राइव को वापस पहले जैसा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पेनड्राइव को लगाऊंगा अपने कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये फॉर्मेट करने के लिए बोलेगी, तो फॉर्मेट पे मैं ओके कर दूंगा, क्विक फॉर्मेट रहने दूंगा और स्टार्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मेट वगैरह ये प्रोसेस आप नहीं करेंगे पूरा, तो आपकी पेनड्राइव अगर 7 या 8 GB की है तो वो सिर्फ 3 GB ही शो करेगी, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारी पेनड्राइव कितना शो कर रही है। मेरी 8 GB की पेनड्राइव है और 3 GB शो कर रही है, तो ये तो गलत बात है, मुझे पूरा स्पेस चाहिए अपना। उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, स्टार्ट पे जाइए, सर्च में लिखिए CMD, जिससे कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, ठीक है, और यहाँ पर लिखिए डिस्क पार्ट और एंटर कीजिए, यस कीजिए। उसके बाद यहाँ लिखिए लिस्ट डिस्क, ठीक है, और एंटर कीजिए। अब मेरी जो डिस्क है वो सेकंड, ये नंबर वन है, डिस्क वन, क्योंकि कितनी 8 GB की थी, 8 GB मेरे को 7392 MB मिलते हैं, ठीक है, तो मेरी डिस्क वन है। ध्यान दें कि आप अपनी हार्ड डिस्क ना सेलेक्ट कर लें, कभी आपने हार्ड डिस्क सेलेक्ट करके उसको फॉर्मेट कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, अपनी पेन ड्राइव को ही सेलेक्ट करें। मेरे केस में डिस्क वन है, तो हम करेंगे सेलेक्ट डिस्क वन, ठीक है, और एंटर करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे क्लीन और एंटर करेंगे। इसको थोड़ा टाइम दें और ये आपकी पेन ड्राइव को, ठीक है, क्लीन कर देंगे। हो गया क्लीन, अब इसको काट दें। अब आप कंप्यूटर पर जाएं और देखिए कुछ नहीं दिखाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं करना भाई। अभी आपको स्टार्ट में जाइए और कंट्रोल पैनल पर जाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पर जाइए, कंप्यूटर मैनेजमेंट पर जाइए, डिस्क मैनेजमेंट पर जाइए और इसको थोड़ा लोड होने का टाइम दीजिए। यहाँ देखिए आपकी जो पेन ड्राइव है कुछ ब्लैक स्ट्रिप के साथ नजर आएगी, उस पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट क्लिक कीजिए, नेक्स्ट क्लिक कीजिए, नेक्स्ट क्लिक कीजिए, अगेन नेक्स्ट क्लिक कीजिए और फिनिश कर दीजिए, और आपकी पेन ड्राइव वापस पहले जैसी हो जाएगी। इसको टाइम दे थोड़ा, ये जो जब तक ये कर्सर घूम रहा है इसको टाइम दें और थोड़ी ही देर में आपकी पेन ड्राइव पहले जैसी हो जाएगी। देखिए अब हम अपने कंप्यूटर पर जाते हैं और देखते हैं हमारी पेन ड्राइव 7.20 GB दे रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच।